नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो लेकर के फिर से हम अपने चैनल पर आए हैं। तो ये हमारे पास ये होम थिएटर जिसको बूफर कहते हैं, सब बूफर की ये SMPS है, पावर सप्लाई है, जो कि ये शॉर्ट सर्किट इसमें हो गई है और ये किसी के पास बनने के लिए गई है। देखिए इसमें गई थी जो कि रिपेयर नहीं कर पाए और उनको बता दिए कि ये रिपेयर नहीं हो सकती। तो ये अभी ये हमारे पास आई है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें फिल्टर कैपेसिटर वगैरह भी इसमें नहीं लगा हुआ है, ये सब निकाल दिए हैं और ये बता दिए हैं कि अब ये बन नहीं सकती और ये जल्दी न्यू भी नहीं मिलती है। तो अब इसको हम आज आपको बताएंगे इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं और कैसे ये ऑन होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपके पास वीडियो जैसे हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या करना होता है और इसमें जो SMD पार्ट लगे हुए होते हैं उनके ख़राब हो जाने के कारण से ये इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, क्योंकि SMD पार्ट तो मार्केट में मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो जैसे इसमें हमने देखिए एक AC के लिए वायर जोड़ा है और इसको सीरीज से हमने कनेक्ट किया था और इसको चिमटी से शॉर्ट करने पे बल्ब भी हमारा जल रहा था। तो अभी ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है जहाँ पे ये कैपेसिटर लगता है यहाँ पर हमें 300 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, तब जब यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहेगा और ये सप्लाई हमारी यहाँ फ्यूज के द्वारा होते हुए ये वहाँ पर सप्लाई हमारी आती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज है और यहाँ फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ होता है जहाँ पर 300 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, जो कि अभी कोई वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो बीच में फ्यूज लगा हुआ है ये ख़राब हो सकता है, तो हम फ्यूज को निकाल के फेंक देंगे और उसमें दूसरा फ्यूज पहले लगाते हैं और उसके लगाने के बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या खराबियां हैं और ये किस प्रकार से इसको ऑन किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें मेन फिल्टर पे हमें 300 वोल्ट लाना है और ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम का है, हम इसको इसमें लगा देते हैं। और लगाने के बाद इसमें जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है जो 4700 ओम और 400 वोल्ट का या 450 वोल्ट का, उसको भी लगा देते हैं। और ये सब लगाने के बाद तब हमको सप्लाई देना है और यहाँ पर 300 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह के जब भी कोई भी SMD पावर सप्लाई हो, SMPS हो, और वो जब भी शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए और रिपेयर करने से वो ऑन ना हो, तो उसमें किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स अलग से लगा देने की वजह से वो फिर से ऑन हो जाएंगे, तो ये सब हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। तो अभी हमने मेन कैपेसिटर लगा लिया है और जैसे ही हमने इसमें सप्लाई दिया और ये फट करके तुरंत ही हमारा रेजिस्टेंस जो लगाए थे फ्यूज के लिए वो कट चुका है। और देखिए यहाँ शॉर्ट करने पर देखिए हमारा अभी शॉर्ट सर्किट है इसमें और हमने सीरीज में लगाया लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारा तुरंत ही कट गया। तो हम इसको फिर से निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें दूसरा लगाएंगे। ये हमारा कट चुका है और हम आपको मीटर से चेक करके दिखा भी देते हैं। देखिए ये हमारा कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये सब रिपेयर करने के लिए आप जब नए होंगे और आप नए हैं यदि, तो आपको मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, तभी आप इस तरह के फॉल्ट को या किसी भी तरह के फॉल्ट को आप तभी दूर कर पाएंगे। और यदि आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आपको उससे सीखना पड़ेगा। और यदि आपको चलाना नहीं आता और सीखना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपको मीटर चलाना भी बता देंगे। और बिना मीटर की सहायता से कोई भी सर्किट आप रिपेयर नहीं कर सकते, आप चेक नहीं कर पाएंगे कहाँ कौन सप्लाई आ रही है कहाँ कौन सप्लाई नहीं आ रही है।
तो देखिए हमने जैसे ही इसको लगाया है हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और इसमें भी शॉर्टिंग है। तो अभी हमारा शॉर्टिंग कहाँ है होगा, तो इसमें जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एसटीआर का, वो शॉर्ट हो सकता है, ये रेक्टिफायर डायोड हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमको जो आगे है सर्किट में ये रेक्टिफायर डायोड, सबसे पहले हमें इसको चेक करना होगा। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर से इसको बाहर निकाल करके चेक करेंगे। पहले से अंदर से ही इसको चेक कर लेंगे क्योंकि ये बिना बाहर निकाले पूरी तरीके से टेस्ट नहीं होता। तो ये पॉइंट हमारा सही है, ये पॉइंट भी हमारा सही है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। अब इस तरह से इस साइड से चेक करेंगे, ये पॉइंट हमारा शॉर्ट है, ये हमारा जो निगेटिव वाला पॉइंट है, ये और हमारा कैथोड और एनोड आपस में शॉर्ट है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद बाहर फिर से चेक करते हैं कि ये हमारा शॉर्ट है या कहीं आगे दूसरी जगह शॉर्ट सर्किट है। अब ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब आगे हमारी शॉर्टिंग नहीं होगी। यदि होगी भी तो कोई रेजिस्टेंस वहाँ से कटा हुआ होगा, तो यहाँ हमारी शॉर्टिंग अभी नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर अपना निकालेंगे और चेक करेंगे। तो जब भी आप शॉर्टिंग को चेक करें, मीटर को दोनों तरफ से लगा के चेक करें, जैसे देखिए इधर से शॉर्ट बता रहा है, तो दोनों पर पलटी करें ये इस तरह से, तब भी शॉर्ट बताएगा, तब आपको कंफर्म होना है कि ये शॉर्ट हो सकता है। उसके बाद इसको बाहर निकाल लें। जब तक इसको बाहर नहीं निकालेंगे सर्किट से, तब तक ये पूरी तरह से 100% कंफर्म नहीं होगा कि यही पार्ट हमारा ख़राब है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि सर्किट से बाहर निकाल कर ही इसको चेक करें। अब ये देखिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और अब ये जो दो पॉइंट हमारा शॉर्ट बता रहा था, हमको इसको भी चेक करना है। मीटर बंद है, मीटर चालू कर लेते हैं। देखिए अभी इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो ये इस तरह से हो सकता है ये हमारा रेक्टिफायर ही शॉर्ट हो, जिसमें ये दोनों पॉइंट हमारे इस साइड के ये दोनों शॉर्ट हैं। ये देखिए 0-0 बता रहा है, तो ये हमारे पॉइंट शॉर्ट हैं। तो इसकी जगह पे हमें दूसरा रेक्टिफायर लगाना है। यदि ये सेम ना हो तो कोई दूसरा भी लगा सकते हैं, और जो अलग अलग डायोड आते हैं जैसे 4007 या 5399, उसको भी लगा सकते हैं। तो ये इस नंबर का हमें KBP और 206, इस नंबर का डायोड हमारे पास नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। हमारे पास एक दूसरा पड़ा हुआ है जो कि इससे बड़ा है और इससे ज़्यादा एम्पियर का है, जो कि इससे अच्छी सप्लाई भी करेगा। तो हम इसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो जब भी आप कोई कंपोनेंट जोड़ें उसमें सोल्ड करें, तो ये जरूर ध्यान रखें कि कोई इसमें शॉर्टिंग ना रहे। और अब हम इसको फिर से एसी सप्लाई देंगे और ये फिर से हमारा बल्ब ग्लो हो रहा, लेकिन देखिए इसमें धुआं निकल रहा है। ये देखिए देखिए जो अभी नहीं जला था वो भी सब यहाँ पर दिवाली मना लिए हैं। तो जब इस तरह से ये सर्किट हमारी दिवाली मना लेगी, तो फिर भी इसको रिपेयर करने का चांस होता है,
और यही हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस वीडियो में, तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एसटीआर टाइप का, ये हमारा शॉर्ट है, पहले हम इसको निकालेंगे बाहर। पहले इसको चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा कलेक्टर और बेस और एमीटर, और ये कलेक्टर जो कि तीनों पे शॉर्टिंग दिखा रही है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इसमें एक जो, अब इसमें इतना जो पटाखे फूटे हैं इसकी वजह से ये रिपेयर तो नहीं हो सकती जो इसमें सप्लाई लगी हुई है, और इसके लिए इसमें जो हमारे पास आजकल मार्केट में उपलब्ध होते हैं माडूल, वही इसमें अच्छे से काम करते हैं और वही इसमें हमको लगाना है। क्योंकि आप ये ट्रांजिस्टर इसमें लगा भी देंगे तो ये ऑन नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से इसमें जो ब्लास्ट हुआ अभी आपने देखा ही, वो एसएमडी पार्ट आप कहाँ से लाएंगे और कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो नहीं हो सकता। इसके लिए ये पॉइंट को साफ़ कर लें जो इसमें जला हुआ है, जो शॉर्टिंग ना रहे, और उसके बाद इसमें इंस्टॉल करना है। तो इसमें जब भी इसको, इस मॉड्यूल को इसमें लगाएंगे, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट होता है जिसमें हमें 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, ये जो 318 वोल्ट आ रहा है, ये हमारी सप्लाई जब तक नहीं आएगी, जो हमारा एसएमपीएस है उसमें 300 वोल्ट इन होके जो आउट निकलती है 300 वोल्ट, वही पिन उस पे जाती है, तो वो हमारी सप्लाई आनी चाहिए, तभी ये हमारी सर्किट काम करेगी। तो ये जो मॉड्यूल है, ये इसको बोलते हैं 5 से 24 वोल्ट, 5 to 24, ये 5 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट के लिए काम करती है सर्किट। इसको आप किसी भी एसएमपीएस में लगा सकते हैं, और इसमें टीवी में भी, एलईडी में भी, बूफर में भी, होम थिएटर में भी, इसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, एक तो इसमें जो प्रीसेट लगा हुआ होता है, यदि आपको इसमें 5 वोल्ट से 24 वोल्ट की आवश्यकता है तो आप इस प्रीसेट की मदद से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर उससे अधिक की आवश्यकता है तो इसको लगाने का दूसरा भी एक तरीका है, हम उसको भी किसी वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरह से लगाया जाता है जिसमें हमारे प्रीसेट ट्यून करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितने वोल्ट की वो सर्किट होगी उतना वोल्ट उसमें ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अभी हम इसमें, हमको सिर्फ 12 वोल्ट की आवश्यकता है, इसके लिए हम इसको इस प्रीसेट से आपको दिखाएंगे कि ये प्रीसेट से ट्यून करके इसको कैसे चलाया जाता है। तो इसमें ये जो नीला वायर है और ये पीला वायर है, इसको हमें एसएमपीएस के आउटपुट पर लगाना है, और जो नीला वायर है वो हमको ग्राउंड पे लगाना है। जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट हो रही है, ये नीला वाला वायर हमको ग्राउंड पे लगाना है, और पीला वाला वायर हमको पॉजिटिव यानी प्लस पे, प्लस वाली सप्लाई पे लगाना है। और लगाने के बाद तब इसमें हम सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद इसमें पहले हम 5 वोल्ट सप्लाई पर ही, ये इसका प्रीसेट रहता है सबसे कम, तो यहाँ देखिए हमारी 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ आ रही है। अब ये जो प्रीसेट है इसको ट्यून करना है, तो हम प्रीसेट को 12-13 वोल्ट पर इसको ट्यून कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए हमें मीटर को इसमें सोल्ड करना पड़ेगा, और तब हम इसको इसमें ट्यून करेंगे, करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमको बार बार करना पड़ेगा, और
तब जा कर के कहीं सप्लाई हमारी पूरी मिलेगी। देखिए अभी हमने ट्यून किया हल्का सा, लेकिन फिर से वही वोल्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम अभी मीटर को इसमें डायरेक्टली सोल्ड कर देंगे और उसके बाद प्रीसेट को 13 वोल्ट पर ट्यून कर देंगे। देखिए हमने मीटर को सोल्ड कर दिया है और प्रीसेट से मिला दिया है, जो हमारी 12 से 13 वोल्ट सप्लाई दिखा रहा है। तो अब ये हमारी सप्लाई होम थिएटर में लगने के लिए तैयार है। आइए हम इसको होम थिएटर में लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं काम कर रही है या नहीं। तो देखिए हमने इसमें लगा दिया है और ये हमने इसमें लगा दिया है और इसको सप्लाई भी दे दिया है, आप देख सकते हैं इसको। और इसको हम ऑक्स की मदद से इसको आपको बजा के भी देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से इसको ऑक्स पे सेट कर लेते हैं और ये हमारा काम कर रही है पूरी तरीके से, हमारी सप्लाई काम कर रही है। तो इसी तरह से किसी भी SMPS को ऑन किया जा सकता है। और वीडियो में हमारे इसी तरह के फॉल्ट को दिखाया जाता है और आसानी से बताया जाता है और ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं की जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करनी नहीं।